हेलो गाइस, हम सभी गूगल की कई सेवाओं का रोजाना उपयोग करते हैं, फिर चाहे गूगल मैप हो, जीमेल हो या कुछ और हो। इन सब के बीच कभी आपके भीतर भी ये सवाल जरूर उठा होगा कि जीमेल और ईमेल में क्या फर्क होता है। हम अक्सर इन दोनों को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि जीमेल और ईमेल में क्या फर्क होता है। गाइस, आपको बता दें कि ईमेल का मतलब अर्थ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करके मैसेज भेजते हैं तो वह ईमेल कहलाएगा। ये एक एड्रेस होता है, जैसे XYZ123। इस एड्रेस का इस्तेमाल हम सूचना को भेजने के लिए करते हैं। हालांकि जिस माध्यम से हम सूचना को भेजते हैं उसका पता भी हमें इसके साथ जोड़ना होता है। वही बात अगर जीमेल की करें तो ये ईमेल के मैसेज को भेजने का काम करता है। इसे आप एग्जाम्पल से समझिए। हमारे ईमेल एड्रेस के बाद @gmail.com लगा हुआ होता है। इससे ये पता लगता है कि हमारे उस मैसेज को भेजने का काम गूगल कर रहा है। वहीं अगर हमारे ईमेल एड्रेस के बाद @outlook.com हो तो हमारे मैसेज को माइक्रोसॉफ्ट भेजने का काम कर रहा है। ऐसे में जीमेल हमारे जिस मैसेज को भेजने का काम करता है वही ईमेल हमारा पता होता है। जीमेल गूगल कंपनी द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट है जो हमें मुफ्त में ईमेल आईडी बनाने और फ्री में ईमेल सर्विस का इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। इसका मतलब ईमेल के अंतर्गत जीमेल और याहू मेल जैसी वेबसाइट आती हैं। गाइस, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।